ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अखिलेश तो हो गए लालू जी के कोटे से और संजय यादव तो तेजस्वी यादव के तरफ से आए होंगे, उन्हीं के राजनीतिक सलाहकार हैं। निश्चित रूप से संजय जी के बारे में बताना चाहूंगा आपको। मैंने जेपी टू बीजेपी में उनका एक लंबा इंटरव्यू लिया था कि मैंने उनको कहा था कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ लिख दूं हिस्ट्री के लिए रिकॉर्ड हो जाए, आप बाद में कहें कि नहीं ऐसा मैं है ही नहीं, तो मुझसे मिलना है। तो एक दो फोन के बाद वो तैयार हुए, हमारी मुलाकात भी हुई, फिर बात की, उन्होंने सब विस्तार बताया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब बात बताया था कि कैसे 2012 में मुलाकात होती है, क्रिकेट खेलते हुए मुलाकात हुई थी, बात सही है, लेकिन मुलाकात एक बड़े परिवार के नेता के पुत्र ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बोलिएगा, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद ये अखिलेश जी के यहाँ बहुत जाया करते थे, सोशलिस्ट लिटरेचर सब पढ़ते थे, तो वहां इन दोनों की दोस्ती हुई, अखिलेश जी की तेजस्वी की और वहां। और फिर दिल्ली के तुगलक रोड रेजिडेंस में, लालू जी के निवास में दोनों की मुलाकातें होती रहती थी और ये मॉक इंटरव्यू करवाया क्या करते थे। अभी के ग्रुप का सीधी बात प्रोग्राम जब आता था तो उसका उसमें जाना है तो उसका मॉक इंटरव्यू चल रहा है, किसी बड़े चैनल के पास किसी बड़े अखबार में देना है इंटरव्यू तो संजय यादव उनका मॉक इंटरव्यू करवाया करते थे। बड़े बड़े नेताओं के स्पीच, मतलब सारे सोशलिस्ट नेताओं के स्पीच पढ़ाने के लिए, और या इसका जो अगर ऑडियो अवेलेबल है सबका वो सुनाया करते थे, खास करके जॉर्ज फर्नांडिस का। इवन मतलब जो अपोजिशन के जो बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका उनके स्पीच सुनाया करते थे, उनकी ग्रूमिंग में बहुत मदद किया फर्स्ट पार्ट में। अब बाद में जाकर के आप जानते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर बने। और 15 में संजय यादव का एक कंट्रीब्यूशन ये था कि इनका जो मोहन भागवत का जो रिमार्क था कि इसका रिव्यू होना चाहिए रिजर्वेशन का, ये एक दिन लेट देखा था लोगों ने, उन्होंने बोल दिया था, ये बात आई गई हो गई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये संजय यादव ने देखा और तुरंत लपक के लेके चले गए लालू प्रसाद के पास। लालू प्रसाद देख के उछल पड़े। उसके बाद जो पांचवा जो लास्ट जो चुनाव हो रहा था अंतिम चरण का 2015 का, उसका रुख ही मुड़ गया। और उसके बाद उसको प्रशांत किशोर ने फॉलोअप किया और बहुत सारे पैम्फलेट छपाए कि कैसे आपका रिजर्वेशन लेने का की कंस्पिरेसी हो रही है। और आप उसका रिजल्ट आप देखिए कि बीजेपी को गाय और बछड़े की अपनी तस्वीर डालनी पड़ी उसको अरेस्ट करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। मोदी जी की सभा में भागलपुर में करीब 400,000 लोग होंगे, मैंने भी उस सभा को अटेंड किया था, और कोई नहीं कह सकता है कि जिस जहां आपने सभा अटेंड की वहां 9 असेंबली सीट थे, एक भी नहीं जीता था एनडीए। तो ये 178 versus 52 हो गया, 243 के हाउस में ये समीकरण हो गया था, बीजेपी को 52 आया था, 178 आया था। तो ये कहीं ना कहीं संजय यादव का कंट्रीब्यूशन था और वो बिहाइंड द सीन आदमी था। और दूसरा जो लॉयलिटी फैक्टर के अलावा जो एक कारण जो मानता हूं मैं, वो है कि दिल्ली में एक परमानेंट बेस चाहिए इनके कंफर्ट का, तेजस्वी के कंफर्ट का, जो इनको संजय यादव के साथ मिलेगा। कंपेटेबिलिटी है, पैरिटी है, मिसा जी का घर है ठीक है, वहां मनोज झा का भी घर है वो भी ठीक है, लेकिन जो संजय यादव के साथ जो एक पैरेलल ऑफिस वहां मिलेगा, जो कंफर्ट मिलेगा, तो एक दिल्ली सेटअप भी संजय यादव के साथ में मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं तेजस्वी कोटा कैसे गए हैं और इस बार सोशल कम्बिनेशन का जो होता था या फिर एक एफ्लुएंट सेक्शन से किसी को लाते थे जो मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट पार्टी को करती है, एडी सिंह को लाए थे, जैसे कि अफाक करीम थे जो पिछले जो अभी रिटायर हुए, उन लोगों के बारे में कहा जाता था पार्टी को फंड के रूप में मदद करते हैं, इस थ्योरी पर नहीं गए। तो इस बार जो दोनों आदमी गए, वेदर इट इज मनोज झा, लॉयल्टी फैक्टर, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, पार्टी की बात को रखते हैं, नेशनल मीडिया बाइलिंगुअल है उसके कारण गए, और संजय यादव थोड़ा सा एलिमेंट सरप्राइज था हम लोगों के लिए, बट हम लोग ऐसा नहीं था कि बस आउट ऑफ द वर्ल्ड डिसीजन है, ये प्रेडिक्टेबल डिसीजन ही था। और आरजेडी ऐसा कर सकती है और इससे बेहतर क्या दे सकता था आरजेडी, एक संजय यादव को इससे बेहतर कुछ ऑफर नहीं कर सकता था आज के डेट में, इनके पास कुछ और ऑफर करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक ये मिला जुला निर्णय था। और ये बताइए, I think yes, as you said, कि तेजस्वी, it was तेजस्वी's call.